वजीर इत्तला'आत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने रुकने असेंबली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के हलके में 49 स्कीमों का आगाज किया गया। वजीर आला पंजाब सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर गामजन है। वजीर आला इत्तेहादी जमातों के अरकान के साथ एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। उनका अपनी पार्टी के रुकने असेंबली से इख्तलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने गम और गुस्से का इजहार किया तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान गुज़ार साहब से मुलाकात मुमकिन नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में तरक्याती काम नहीं हो पा रहे। सरदार उस्मान गुज़ार साहब वो वज़ीर आला है कि जो अपने इतिहादियों से लेके और अपनी तमाम ट्रेजरी बेंचेस के जो अरकान असेंबली हैं ज़ाती तौर पर सबको जानते भी हैं, सबका नाम भी जानते हैं और इंतहाई मिलनसारी के साथ हर किसी को मुलाकात के हवाले से अवेलेबल है अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर। तरक्याती कामों के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बेबुनियाद मेरे भाई का ये इल्ज़ाम था। 2 अरब से जायद मालियत का फंड जारी किया गया हल्का 285 में और 49 स्कीम्स हैं तरक्याती जिनके ऊपर ये लगाया गया और 60 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है, बाकी ऑन गोइंग जारी है।